तो भाई अब धूप भी हमारे गांव में पहुंच चुकी है, जहां पे मेरी पार्टनर मेरा वेट कर रही है। हेलो जी। मेरी पार्टनर सुबह 5:30 बजे इस खेत में आई थी। हे भगवान, कर दो कृपा, बारिश कर दो बस थोड़ी सी, ताकि। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे आप? होप आप सब बढ़िया है भाई। ये जो आवाज़ भाई आप सुन रहे हैं ना, ये पक्षी की है, ये बारिश के लिए चिल्ला रहा है। मेरा गांव विलेज दाना, यहाँ पे भी भाई बारिश नहीं हो रही है। तो अब देखो ज़रा बारिश कितने दिनों में होती है। फ़िलहाल तो मौसम कुछ ऐसा है कि ब्लू ब्लू, इसकी ज़रूरत नहीं वैसे हमारे को। हमें तो चाहिए भाई बिल्कुल काले काले घने घने बादल जो बरस जाएं और हमें राहत दे दें। फिलहाल भाई हमारे यहाँ जो तापमान है ना, वो सिर्फ अभी 16-17 डिग्री के आसपास ही है, तो इतना तो राहत के लिए ठीक ही है। तो भाई आजकल सीजन जो चला हुआ है ना, लकड़ियों को इकट्ठे करने का चला हुआ है। कोई जंगल से लेके आ रहा है, तो हम भी कुछ जंगल से ले आए, कुछ अपने जो खेत है वहाँ से ले आए। सीन ऐसा है कि भाई अभी आगे बरसात का सीज़न आ रहा है, फिर सर्दियाँ आ रही है, तो सूखी लकड़ियों को का इंतज़ाम करना होता है भाई सभी को ना। तो गांव के कुछ लोग जंगल जाते हैं, तो कुछ लोग अपने इधर उधर से करते इंतज़ाम। तो ये जो लकड़ियाँ भाई हमने इकट्ठी कर रही ना, ये वाली जंगल से लाई है, ये वाली, और बाकी जो यहाँ से लेकर आगे तक ये भाई खेत से ला रखी है। तो भैया इस इंतजाम के लिए भाई मुझे भी अब निकलना पड़ेगा खेत और वहाँ से लेके आनी होगी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ जो वहाँ से पहले से ही स्टोर की हुई है। तो मेरी पार्टनर भी अभी वहीं पे ही है, वो मेरा वेट कर रही है वहाँ पर। सुबह गई थी 5:30 बजे, अभी टाइम हुआ है 7:15। इसने भी अपना काम कर दिया, सुबह दिया था मैंने इसको काम, बाद में करूँगा मैं चेक, ठीक है। अभी मैं ज़रा खेत निकल रहा हूँ, जो लकड़ी लाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, 2 बोरे और ये भाई इतनी सारी रस्सियाँ। तो भाई लेट्स मूव। भाई अब धूप भी हमारे गांव में पहुंच चुकी है। आजकल भाई हमारे यहाँ पे ये जो तिरमल का जो पेड़ होता है ना, इसमें तिरमल है आजकल पकने लग रही है। तो कुछ तो अभी मैक्सिमम तो अभी कच्ची है, बीच में होती है कहीं पक्की ना। अब इसके लिए तो भैया पेड़ में चढ़ना होगा, और पेड़ में चढ़ने का तो अभी टाइम ही नहीं है। पहाड़ों में ना काम की कोई कमी नहीं होती है, अलग अलग वैरायटी के काम होते हैं। अगर बंदे के पास मान लीजिए खेत का काम ख़त्म हो गया, तो घर पे भी इतने सारे काम होते हैं ना, गाय का दूने का, घास डालने का, कई तरह के काम होते हैं। मतलब रेस्ट होता है लेकिन बड़ा कम। तो फाइनली मेरी एंट्री हो गई अपने खेत में, जहाँ पर मेरी पार्टनर मेरा वेट कर रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तब से लेकर यहाँ परेशान तो नहीं होगी बैठ बैठ के? साथ में भाई हमारे पड़ोसी खेत में भी सिंचाई का काम चल रहा है, यहाँ पे राजमा की सिंचाई हो रही है। राजमा तो भाई बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो बंदे के पास। और जैसे ये खेत नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हम लगा देंगे अपने खेत में सिंचाई के लिए। यहाँ पर भाई फ्रेश बीन के पौधे हमने उगा रखे हैं भाई, और ये चल भी रहे, अब ठीक ठीक चल रहे हैं वैसे तो। मेरी पार्टनर सुबह 5:30 बजे इस खेत में आई थी गुड़ाई करने फ्रेश बीन के पौधों की। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मेरा वेट कर ले, मैंने कॉल किया था कि मेरा वेट करना, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। और यहाँ से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ लेके जानी है, जो भी बताई थी मैंने, अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, वो है भाई यहाँ पर लकड़ियों के ढेर पड़े हुए, ये लेके जाने हमारे को। क्योंकि भैया हमने कुछ दिन पहले ये तून का जो पेड़ है ना, इसकी टहनियाँ काटी थी हमने, तो उन टहनियों से काट के इतनी सारी टहनियाँ हमारे पास हो गई यहाँ पे इकट्ठी। अब धीरे धीरे इनको यहाँ से लेके जाएंगे गट्ठे बना के। राशबीन के बगल में हमने उगा रखी है यहाँ पे अरबियाँ, और अरबी के पौधे भी भाई कुछ इस तरह से चल रहे हैं, मतलब ठीक ही चल रहे हैं। इसका एक पत्ता तो सीधा है और एक पत्ता कुछ सिकुड़ सा गया है, शायद इसको भी पानी चाहिए। हे भगवान, कर दो कृपा, बारिश कर दो बस थोड़ी सी, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, सबको राहत मिल जाए, बस पौधों को भी हमें भी। मेरी पार्टनर तब से लेकर मेरी शक्ल देख रही है, आ जा यार ओंडे आवे, आ जा।
इकट्ठे भाई हमने कर दिए अपने रेडी बांध बूंद के। अब जो बची हुई लकड़ियां हैं उसको हम दोबारा किसी दिन लेके जाएंगे। चले बैठना नहीं यार, चलना हमने अब आजा। और यहाँ पे भाई हमें ना एक पंख मिला हुआ है, ये पक्षियों का पंख, ये बहुत बड़ा पंख है। इस पंख में मेरे को अच्छी बात ये लगी कि इसमें ना ये एक तरफ दूसरे कलर का है और एक तरफ दूसरे कलर का है। बहुत अच्छा पंख है ये। ले पार्टनर के लिए गिफ्ट तेरे लिए। यहीं पर रखना, अपने सिर में लगा ले इसको। इन लकड़ी के गट्ठों को लाने में सफल हुए भाई, फाइनली घर पहुंच गए। अब ये गट्ठे हमने खोल के बढ़िया कर देंगे सेट। A few moments later. भाई लकड़ी के गट्ठे हो गए हमारे सेट बढ़िया से, करते भी ब्रेकफास्ट। अब भाई आज के वीडियो को बस यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक मार दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।